गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जुनैद अहमद एंड वी आर गोइंग टू टीच लेसन 1 बिजनेस स्टडीज 11 कॉमर्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? दैट एक्टिविटी विच इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द पर्पज टू अर्न द इनकम. ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटी जो कि एक इंसान के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा की जाती है, जिसका एम जो है वो इनकम कमाना होता है. उस ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटीज विच कंसर्न बाय द पर्सन ओनली टू अर्न द प्रॉफिट. वट एवर द सेल ऑफ द गुड्स, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स and elsewhere, as well as the non-economic activities. It means those activities done by the human being not for the aim of the earning profit, only to welfare the society. Non-economic activities वो activities हैं जिसमें human being के through ही वो perform की जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई aim profit कमाना नहीं होता, कोई income कमाना नहीं होता, इसलिए जो है उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. उसके अंदर हर पर्सन, चाहे वो कोई प्रोफेशनलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक लेबरर हो, उसका एम जो है वो ओनली टू सर्व द सोसाइटी, केवल सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना होता है, इनकम कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. इसलिए हमने यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. पहला पोर्शन जो था हमारा वो आपका, हमने कल परसों डिस्कस किया था, उसके बाद बिजनेस, और अब जो सेकंड पोर्शन है जिसे हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, और थर्ड टॉपिक जो है उसका क्लासिफिकेशन का, वो एम्प्लॉयमेंट है. परसों हमने बिजनेस टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफाई जब किया, बिजनेस डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या है, उसके बाद अब सेकंड पॉइंट जो है वो प्रोफेशन डिस्कस करते हैं हम. इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज, प्रोफेशन के अंदर वो एक्टिविटीज की गई हैं, कंसर्न की गई हैं, विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज. वो पर्सन जिसे अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज होती है, किसी एक सर्टेन फील्ड की नॉलेज होती है, एंड स्किल टू बी अप्लाइड, और अपनी वो जो एक्टिव नॉलेज है, वो नॉलेज अपनी एक फील्ड के अंदर उसे मेहनत करके वो उसे इस्तेमाल करता है. अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंसान के द्वारा, इन हिज वर्क टू अर्न, काम करके उस चीज को हासिल करने के लिए. सबसे मेन बात क्या है प्रोफेशन के अंदर, कि एक इंडिविजुअल होगा, उस इंडिविजुअल का एक सर्टेन प्रोफेशन होगा, एक सर्टेन फील्ड होगा, उस सर्टेन फील्ड के अंदर उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को वो अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से उस नॉलेज को उसके अंदर यूज करेगा, और तब वो अपनी इनकम को अर्न करेगा. इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं. द पीपल हु आर एंगेज इन द प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स. अब उसी एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को क्या कहा गया, द पीपल हु आर एंगेज्ड, एक इंसान जो के प्रोफेशंस के अंदर इन्वॉल्व है, एक पर्सन जो एक टीचर है वो भी एक इंडिविजुअल है, वो प्रोफेशनलिस्ट है अपने एजुकेशन फील्ड का, एक डॉक्टर है वो मेडिकल फील्ड का प्रोफेशनलिस्ट है, एक लॉयर जो है वो अपने लॉ फील्ड का एक प्रोफेशनलिस्ट है, इसलिए उस पर्सन को हमने क्या कहा गया, प्रोफेशनल कहा गया. और एक अलग अलग पर्सन, अलग अलग फील्ड को जब हम उसे गैदर करते हैं तो हम उसे प्रोफेशनल्स कहते हैं. अगर डॉक्टर को भी हम रखते हैं, एक लॉयर को रखते हैं, एक टीचर को रखते हैं, तो 3 डिफरेंट प्रोफेशंस हो गए हैं, लेकिन अगर हम इनका ग्रुप बनाएं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोफेशनल्स कहलाएंगे. थर्ड पॉइंट, इसको थर्ड पॉइंट से जो क्लासीफाई किया गया है वो किया गया है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी अर्न करना है एम, प्रोफेशन जो प्रोफेशनलिस्ट प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व है उसका एम भी है इनकम को अर्न करना, दोनों चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गई. और थर्ड चीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी उसके आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ गया. और कहा गया है कि इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच
एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि एक एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल के अंडर में वर्क करता है। एक पर्सन है एम्प्लॉयर, एक पर्सन है एम्प्लॉय, यानी कि वो पर्सन जो वर्किंग कर रहा है किसी पर्सन के अंडर में वो एम्प्लॉय है, और एक पर्सन जो उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो है एम्प्लॉयर। दैट पर्सन हु प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज एम्प्लॉयर, एंड दैट पर्सन हु आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज एम्प्लॉय। और वो किसलिए करता है? टू गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। मेहनत करता है, काम करता है, किसके रिटर्न चाहता है? वो चाहता है कि मुझे रेम्यूनरेशन मिले, एज ए वेजेस मिले, एज ए सैलरी मिले। तो ये भी उसका क्या है इनडायरेक्ट वे के अंदर, इनकम को अर्न करना है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयीज। तो जो पर्सन वर्किंग करते हैं इस एक फील्ड के अंदर वर्किंग करते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, तो वर्किंग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉय कहलाते हैं। और वो सिचुएशन जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है काम करने की, उस सिचुएशन को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तीनों एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेसमैन का कंसर्न बिजनेस से है, उसका एम भी क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, प्रोफेशन के अंडर में जो प्रोफेशनलिस्ट हैं वो वर्क करते हैं, वो भी इनकम कमाते हैं, वो इनकम जो है एज ए मनी के रूप में रिसीव करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और एम्प्लॉयमेंट के अंडर में जो लेबरर्स वर्क करता है किसी के अंडर में, तो वो भी एज ए रेम्यूनरेशन, चाहे वो उनकी सैलरी के रूप में हो वन मंथ कंप्लीट होने के बाद, या अपने डेली वेजेस पर हो, या पीस वेज सिस्टम से हो, तो तीनों पोर्शन में भी वो एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो एक सर्टेन इंडिविजुअल के अंडर में वर्क करता है, इसलिए उसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एंड दीज आर द इंडिविजुअल्स ओनली टू अर्न द इनकम टू पास आउट द लाइवलीहुड। उन पर्सन्स का एम इनकम कमाना इसलिए है कि उन्हें अपनी लाइफ को पास आउट करना है, जिंदगी को चलाना है, इसलिए इन तीनों को हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। थैंक यू।